स्वागत करता हूँ आप सबका एक और नए व्लॉग में। आज हम आ चुके हैं जम्मू शहर के क्या कहते हैं बागो बाऊ में बागे बाऊ में यार मैं टूरिस्ट हूँ, मेरे को नहीं मालूम ना कि ये बागो बाऊ है कि बागे बाऊ है। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं एक्वेरियम में। मैं पहले कभी नहीं गया। अब कैमरा जम्मू के योगेश के हाथ में दिख रहा है। योगेश, ये हमारे कुछ वो लोग आते हुए टूरिज्म। व्हाट्स अ ब्यूटी बॉस, वाह बंदी देखो। बागे बाहू में अगर आप आओगे तो आपको 48 रुपये दो बंदों की टिकट लगेगी। और यहाँ पे मेरे पीछे बावे का टेंपल है, तो इस तरफ अगर आपको जाना है इसके लिए भी एक अलग से टिकट लगती है, जो अभी हम लेने जा रहे हैं। उधर से आए, इधर इधर से उधर। एक्वेरियम की दो बंदों की टिकट आपकी 60 रुपये। पहुंच चुके हैं एक्वेरियम में। पहली बार मैं आया हूं लाइफ में कह सकते हैं। ये मेरे पीछे एक्वेरियम, अभी हम जा रहे हैं एक्वेरियम के अंदर। ब्लैक होल, अरे कछुआ भी है यहाँ पर। स्टारफिश देख लो, जिसने स्टारफिश देखनी है। ऑक्टोपस देखो आप, ऑक्टोपस, दिस इज आल्सो स्टारफिश। देखो स्टारफिश, देखो कैसी कैसी चीजें जिनमें जान होती है। एक वक्त पे जान थी इसमें। अब हम निकल चुके हैं यहाँ से, इतना ही था। और ये बाहर जा रहे हैं हम जम्मू की सबसे फेमस जो टूरिस्ट स्पॉट है ना, बागे बाहू, बावे जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर हम अभी आए हुए हैं। और यहाँ के बाथरूम इतने गंदे हैं, इतनी स्मेल होती है। मतलब सबसे मेन जो कहते हैं जम्मू की पहचान जिसे हम करते हैं, उस जगह के बाथरूम में ऐसी हालत है, तो बाहर बाकी जगहों के बाथरूम की क्या हालत हो सकती है, आप सोच सकते हो। ब्यूटीफुल लोकेशन से बाहर जा रहे हैं। उधर क्या है, लाइट शो, लाइट शो में हम आ चुके हैं लाइट शो देखने के लिए। ₹100 पर्सन, ठीक है। ओके, लाइट शो की टिकट ₹100 पर बंदा। यहाँ पे चलेगा आपका लाइट शो, हम वहाँ बैठ के। तब यहाँ ये सब कोई नहीं थे, यहाँ थी तब इस हरी भरी पहाड़ियाँ और मैं यानी सूर्यपुत्री। कौन सूर्यपुत्री? वही जिसे आप सब तभी नदी के नाम से जानते हैं। बाघ और बकरी साथ पानी पी सकते हैं, जहाँ एक शेर भी एक भेड़ को मारने से बख्श देता हो। पश्मीना भेड़े और 75 लाख रुपए नकद का नजराना ईस्ट इंडिया कंपनी को देकर राजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपनी खुद मुख्तारी में ले लिया और वो रियासत जम्मू कश्मीर के पहले महाराजा बने। कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जो इतिहास के भी पहले की हैं, इसीलिए आगे की कहानी मैं सुनाती हूँ। महाभारत के समय मेरे किनारे पांडवों की सेना ने डेरा डाला, क्योंकि अश्वमेघ यज्ञ में छोड़ा उनका घोड़ा इधर ही चला आया। तो
पाताल लोग जाकर नागमणि लाकर इन्हें जीवित किया जाए। पहाड़ के तेज बाणों ने धरती को ऐसे छेदा कि वीर मान सर से जमीन में घुसा और सुरई सर में निकला और इस तरह बनी मान सर की अतः झील और सुरंग सर यानी सुरई सर झील। फाइनली गाइस खत्म हो चुका है हमारा लाइट शो। हमारे सामने लाइट लगा के रख दी इन्होंने, देखो वरना अंधेरा था। और ख़त्म हो चुका और निकलते हैं हम यहाँ से। कुलकर चिप्स लेके आया था लेकिन ये खोलने का मौका ही नहीं मिला। स्टोरी अच्छी थी, स्टोरी बहुत अच्छी थी, जो स्टोरी उन्होंने बताई वो एक नंबर, वो उसको सुनने के लिए आप यहाँ आ सकते हो। कैसे नाम पड़ा जम्मू का, कौन पहले यहाँ पे आया, जम्मू लोचन जो पहले हुआ, जम्मू के पहले जो महाराजा थे वो कैसे बने। चलते हैं हम भी, अब उठते हैं, बाय बाय करते हैं। यहाँ पर मार्केट लगी हुई है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। रात का कुछ व्यू है यहाँ का। फिलहाल दिन हुआ हमारा आज का ख़त्म और देखा आपने कि कैसा है बागे बाऊ और उसका लाइट शो। एक्वेरियम भी देखा हर दूसरे से तीसरे दिन के बाद शाम को 5:30 बजे हमारी नई वीडियो आ जाएगी। बस लाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और जब तक नई वीडियो नहीं आ रही तब तक पुरानी वीडियोस देख लीजिए।